कौवों की गिनती। महाराज कृष्णदेव राय को तेनालीरामा से बेढंगे सवाल पूछने में बड़ा ही आनंद आता था। वह हमेशा ऐसे सवाल पूछते जिसका जवाब देना हर किसी को नामुमकिन सा लगता। लेकिन तेनालीरामा भी हार मानने वाला नहीं था। वो भी महाराज को ऐसे जवाब देता कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि वो आगे क्या पूछे। एक बार महाराज ने तेनालीरामा से पूछा, क्या तुम अपने राज्य के कौवों की संख्या बता सकते हो? तेनालीरामा ने कहा, जी महाराज, बिल्कुल बता सकता हूँ। कौवों की संख्या बिल्कुल सही बतानी है, ये नहीं कि अंदाजा लगाकर कुछ भी बता दो। जी महाराज, मैं कौवों की संख्या बिल्कुल सही बताऊंगा, आप विश्वास रखें, तेनालीरामा ने कहा। महाराज बोले, अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। तेनालीरामा ने साहस के साथ कहा, महाराज मुझे आपका हुक्म स्वीकार है। तेनालीरामा के विरोधी मन ही मन खुश होने लगे। उन्होंने सोचा कि आज तो तेनालीरामा बुरी तरह फंस चुका है। भला कौवों की गिनती कैसे की जा सकती है? तभी महाराज ने तेनालीरामा से अपने सवाल का उत्तर मांगा। तेनालीरामा बोला, महाराज हमारे राज्य में 120,550 कौवे हैं। महाराज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या हमारे राज्य में इतने कौवे हैं? हाँ महाराज, अगर आपको यकीन नहीं तो आप गिनवा के देख सकते हैं। अगर गिनती में कुछ कम ज़्यादा हुए तो? महाराज ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ भी तो अवश्य ही हमारे राज्य के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्य में गए होंगे, या फिर दूसरे राज्य के कुछ कौवे हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए होंगे। इस स्थिति में तो कौवों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, वरना तो नहीं। तेनालीरामा का उत्तर सुनकर महाराज निरुत्तर हो गए। तेनालीरामा के विरोधी विचारे हाथ मलते रह गए, क्योंकि तेनालीरामा ने उनकी खुशियों पे पानी जो फेर दिया था। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।